गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल आदित्य एंड कुश व्लॉग्स। अभी रात को बज रहे हैं 11:30 ऑलमोस्ट और हम लोग निकल गए हैं जयपुर से सांभर लेक की तरफ। तो अराउंड 160 किलोमीटर्स है हमारे घर से ये लेक। हमने सोचा कि आपके लिए एक नाइट ट्रिप पूरा लेके आ जाए, क्योंकि आपने देखा है कि हमारा भोपाल का जो जर्नी है वो एक साइड नाइट था। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके लिए पूरा नाइट ट्रिप लेके आया जाए और आपको दिखाया जाए कि राजस्थान की हाईवेज कितने अच्छे हैं और रात में कितना प्रॉपरली यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं एकदम सिस्टमेटिकली, और दिखाया जाए आपको सांभर का रात में क्या व्यू होता है। तो यही के इसी के साथ हम आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं। तो हम आपको बीच में अपडेट्स देते रहेंगे जैसे जैसे हमारा रास्ता सांभर लेक के पास आता जाएगा। और आदित्य कार चला रहा है इधर, मैं बैठा हुआ हूँ मस्त। और अब हम आपको अगला अपडेट देंगे जब हमें कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है। कीप स्टे ट्यून्ड। तो हे गाइस, हम लोग अभी भी अजमेर रोड पे हैं। गाड़ी लहर रही है भाई। भाई वो ले लेगा उसको ऑल्टो वाले को अंदर। 3 किलोमीटर बाद हमारा कट है, बट हम आपको एक चीज दिखाना चाह रहे हैं। हमारे आगे की बुलेरो पिकअप जा रहा है, ये है ना, तीन ट्रक्स में ठोकते हुए बचा है। हाँ। ये दारू पी के चला रहा है, या तो वो पिया हुआ है राइट, या फिर वो नींद में उसका इंडिकेटर देख कब से चल रहा है और वो पूरा लेफ्ट में ले रखा है उसने। भाई ये बंदा अलग ही लेवल पे गाड़ी दौड़ा रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात, इसका बुलेरो पिकअप है, ये कब पलटेगा इसको भी नहीं पता। दूसरी बात, ये बंदा है ना, ये 6 इंच से ट्रक से बचा है। अगर आप देखोगे ना, देखो बहुत देर से सामने उसकी लेन पूरी खाली, साइड में गाड़ी जा रही है। ये देखो गाइस, ये देखो आप, ये देखो यार, बिल्कुल भी दारू पी के नहीं चलानी चाहिए हाईवे पे। ये बंदा अलग लेवल पे टुंड है, इसने इस कदर कसके पी रखी है कि अगर इसको एक चाटा मार दोगे तो अभी यही सो जाएगा। बट इसको समझ लगा कि नहीं, सोना अच्छा डिसीजन नहीं होगा, लेट्स ड्राइव माई पिकअप। तो ये आ गया हाईवे पे, ये बिना किसी उसके लेन चेंज कर रहा है, ये किसी भी गाड़ी में दे मार रहा है। अभी आपने जस्ट देखा इसका इस डिजायर जो इसके साइड में चल रही है, और जो साइड में जस्ट पीछे हमारे ट्रक था उससे बहुत गंदा एक्सीडेंट हो गया। धीरे हो गया इस गाड़ी के चक्कर में यार। आदित्य बहुत डर गया उससे। भाई लिटरली वो बंदा, मैं उसको देख के डर गया, उसकी गाड़ी ऐसे लहर रही है। मैंने कहा या तो पीछे रख लो या आगे रख लो। हमने बड़ा सोचा समझा, हमने बोला नहीं भैया हमें अभी जीना है, हमने हमारी गाड़ी पीछे ले ली पहले। बिल्कुल भाई, है ना। और हम ये कोशिश करेंगे कि इसको ओवरटेक ना करें। और अगर आप देख सकते हैं तो अभी हमारा 1 किलोमीटर बाद टर्न है, तो हम प्रोबेबली इस मनहूस आदमी से साइड हो जाएंगे। और भाई देखो वो उधर जाने का सेंस नहीं है। ये किसी भी टाइम है ना, या तो किसी ट्रक में या डिवाइडर में दे मारेगा गाड़ी अपनी। देयर इज नो सेंस इन गोइंग दैट साइड ना, उस तरफ जाने का कोई सेंस नहीं है। वो क्यों जबड़े से उधर काट रहा है? अरे वो जब उधर पीछे ट्रक है, देखो इधर इज स्लीपी और इज ड्रंक, तीन ऑप्शन। देख देख देख, हां हां गया गया भिड़ा भैंसो तू डिवाइडर में गया गया। ओह शिट, भाई वो डिवाइडर में भिड़ गया एंड ही इज जस्ट गोइंग लाइक नथिंग हैपेंड। हां भाई, या तो सोया हुआ है या पिया हुआ है। मैं तीन ऑप्शन बताता हूं। हां, या तो ये बंदा नींदों में है। हां, दूसरा इसने कसके दारू पी रखी है। हां, तीसरा ये लूनेटिक ड्राइवर है। भाई पर डिवाइडर पे कौन मारता है? कुछ भी नहीं मारी भाई उसने, उसने दे पूरे डिवाइडर पे दिए यार। ये तो बुलेरो पिकअप था, कुछ हुआ नहीं होगा इसका, लोहे की गाड़ी है ऐसा, लेकिन अपनी कार हो तो पूरी खत्म हो जाती भाई, लाइव एक्सीडेंट है ये। हां, और इसका इसको पास लेके चले, इसका नंबर नोट करें अपन। नंबर प्लेट ही नहीं है भाई। अरे कुछ तो दिखेगा लिखा हुआ, ये अपना कट आ गया एक्चुअली में। तो अब जाने दो भाई, इससे दूर रहो, बहुत इससे तो भैया माफ करो बुलेरो वाले भैया आप हमें। तो गाइस ये हमारा बिछून वाला कट आ गया। अब यहाँ से हम सांभर लेके तरफ, मतलब अभी तक हम लोग जयपुर से अजमेर वाले रास्ते पे थे, NH8 पे थे, NH8 बोलते हैं। अब हम ये एक स्टेट हाईवे है, यहाँ पे बिल्कुल कच्चा रास्ता है, और हमें एक चीज का डर है। हम एक्चुअली दिन में यहाँ पे कई बार आए हैं, बट ये हम रात में पहली बार आ रहे हैं। तो और ये रास्ता काफी क्रीपी है, तो कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, कुछ नहीं है। और अभी तो शायद थोड़ी फिर भी रोड बन गई, पहले रोड भी नहीं थी। और पता है यहाँ पे है ना, एक आध बार पैरानॉर्मल साइटिंग्स भी हुई है, तो हमें थोड़ा सा डर है, बट हम स्टिल डेयरिंग लेके आप लोग के लिए यहाँ पे आए हैं रात को, ताकि हम आपको राजस्थान आफ्टर डार्क दिखा सके, सांभर लेक दिखा सके। सांभर लेक आपको दिखा सके। सांभर लेक काफी फेमस है वैसे, माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आती हैं। इसके अलावा यहाँ पे काफी मूवीज की शूटिंग हुई है। अगर आपने जोधा अकबर देखी है तो जोधा अकबर में जो गाना है मौला मेरे मौला, और जो शादी वाला सीन है अकबर और जोधा का, वो पूरा सांभर लेक में दर्शाया गया है। तो वो काफी फेमस जगह है, यहाँ पे काफी मूवीज की शूटिंग वगैरह हुई है। और बाकी आपको दिखाते हैं कैसा लगता है, अभी तो हम रात में आए तो ये रात में कैसा लगता है आपको ये दिखाते हैं। बड़ा ईयरी लग रहा है यार मेरे को। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग सुबह तक यहाँ रुकेंगे नहीं,
सुबह तक हम लोग नहीं रुकेंगे, हो सकता है हम लोग आपको नारगढ़ दिखा सके, क्योंकि उस दिन हमारा नारगढ़ फोर्ट रह गया था याद है, सामोद वाले दिन सनसेट दिखाने वाले थे हम, हो सकता है आज हम आपको सनराइज दिखा दें, सनराइज दिखा दें। तो हमारा मेन हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम आपको सनराइज दिखा सके, तो हम लोग अभी बस चल रहे हैं, देखते हैं कैसा होता है क्या होता है। जैसे अभी आपने एक लाइव एक्सीडेंट देख लिया रोड पे, ऐसे तो भैया प्लीज, हमें लग रहा है कि आज का व्लॉग हमारा काफी हैपनिंग होने वाला है क्योंकि इसकी स्टार्टिंग ही काफी हैपनिंग रही है लिटरली। और एक्चुअली मैं एक बात बोलूं, बट वन थिंग, अगर आप देखो, अगर आपको नींद आ रही है और आप ऐसे पिकअप ड्राइवर हो, ये भी हो यार, ठीक है कुछ हम गाड़ी पार्क कर दो, देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप थोड़ा लेट हो जाओगे, आपके थोड़े पैसे कट जाएंगे, बट आपकी जान से ज्यादा तो वो जरूरी नहीं है ना, किसी और की जान से ज्यादा जरूरी तो नहीं है वो। ऑलमोस्ट वो बंदा हमारे सामने करीबन 3 या 4 गाड़ी को हिट करता करता रह गया था लिटरली, और उसने एंड में डिवाइडर पे चढ़ाई दी गाड़ी, हाँ ऑलमोस्ट वो उस पर भेड़ दी उसने डिवाइडर पे गाड़ी, अरे वीडियो में रिकॉर्डेड है, वो लाइव डिवाइडर से उतार के लाया गाड़ी यार अपनी बहुत तगड़ा क्लिकबेट हो जाएगा भाई, क्लिकबेट तो नहीं है वो, ये एक्चुअल एक्चुअल है यार, एक्चुअली अपन को थंबनेल मिल गया वीडियो के, प्लस पता है यार वो तो चल हो गया यार, ये रास्ते में घुस के मेरे को थोड़ा क्रीपी लगने लग रहा है, बिकॉज आप देखोगे ना आगे कुछ भी नहीं है, अगर लिटरली हम हमारे कार की लाइट बंद कर देते हैं, इट इज पिच डार्क, और ये साइड में अगर आप देखोगे तो पूरा जंगल है, ये देखो ये सिर्फ डीआरएल चल रही है, डीआरएल चल रहा है काफी, और वो भी हमारा कैमरा काफी नाइट मोड में सेंस कर रहा है इसलिए आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत, वरना हमें कुछ नहीं दिख रहा, और आप देखोगे तो साइड में पूरा जंगल है, इस तरफ एक पावर स्टेशन और पेट्रोल पंप है, कुछ भी नहीं दिख रहा, अब देखो आपको कुछ ही नहीं दिखेगा, हमारी गाड़ी बंद हुई है, नॉट अ सिंगल लाइट देयर, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, पूरा जंगल है साइड में, बहुत ही अच्छा हैपनिंग व्लॉग होने वाला है, हम चाहते हैं कि कुछ हमारे साथ ऐसा हो जो हम कैप्चर कर पाए, एक तो लाइव एक्सीडेंट देख चुके हैं, बट यहाँ पे एक्चुअली बात ये है ना आदित्य, इधर है ना पैरानॉर्मल साइटिंग्स का है यार, यहाँ पे ना यहाँ पे भूत दिखता है, प्लस काफी ना ये यहाँ पे ना ये थोड़ा सा ये फॉक्स और जंगल जैसा है, तो फॉक्स वुल्फ ये रेन ये क्या बोलते हैं बारासिंगा नील गाइस ये सब यहाँ पे स्पॉट होते हैं, तो काफी सारी चीजें हम आपको दिखा पाएंगे, क्योंकि राजस्थान में काफी माना जाता है नील गाय वगैरह, और नील गाय अगर आपके पास अगर सड़क पे रोड पे आ गई ना, इट्स नथिंग यू कैन डू, इट्स दैट मीन्स यू आर डन फॉर द डे, आपको बस गाड़ी के ब्रेक मारने हैं, नीलगाय का कुछ नहीं होगा गाड़ी, आपकी गाड़ी से बट आपको आपकी गाड़ी पूरी खत्म हो जाएगी, आपको ब्रेक मारना है, गाड़ी टर्न करके उससे बचानी है, वो ही आपका एकलौता चांस है बचने का, यू हैव नो अदर ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम दैट। तो गाइस आगे हमें कुछ दिखता है तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, अभी यहाँ के लिए इतना ही, आगे देखते हैं क्या मिलता है अपने को। तो गाइस हम लोग सांबर लेक के ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे हम लोग एक अंडरपास में आ गए हैं जो कि बहुत ही ईयरी सा है, बहुत ही डरावना सा है, और आप देखोगे ना तो इसमें यार कुछ भी नहीं है, एक लाइट नहीं है, और आप आसपास देखोगे ना यार यहाँ पे एक इंसान या जानवर का बच्चा तक आपको नहीं दिखेगा, बहुत ही ज़्यादा रिस्की सा है। देखो हम लोग अगर यहाँ पे लाइट बंद कर देते ना तो यार कुछ भी नहीं है, एकदम पिच ब्लैक है, बस हमारी DRL से लाइट है जो आपको दिख रही है, हमें तो कुछ ही नहीं दिख रहा, हमारा कैमरा अच्छा थोड़ा, तो यू गाइस कैन सी इट बट वी कैन नॉट, और यार बहुत ही मतलब यार रात में इस रास्ते का अलग ही फील है यार, मतलब दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम जो अपन दिन में आते हैं उससे, है ना, बहुत ही डरावना सा है यार, काइंड ऑफ क्रीपी। और हमें अभी पीछे रास्ते में एक आध बारासिंगा दिखा, एक आध नीलगाय दिखी, एक बार हमें दिन में यहाँ पे वुल्फ दिखा था, बट अभी हमें वुल्फ फॉक्स दिखा था सॉरी, हाँ बट अभी हमें कुछ नहीं दिखा, एंड वी रियली होप कि अभी हमें कुछ ना दिखे ऐसा, क्योंकि ऑलरेडी इस ब्लॉग के लिए बहुत हैपनिंग हो चुका है, लाइव एक्सीडेंट आप देख चुके हो, और एक पीछे बरगद का पेड़ था तो उस पर काफी क्रीपी सी फीलिंग आ रही थी वहाँ पे, हम भी चाहते हैं और कुछ हैपनिंग हो, वो जब भी बैठ में बोलती है ना कि भगवान जी अब इस रात को और हैपनिंग मत बनाओ, इस रात को बोरिंग कर दो जी, यही खत्म कर दो, तो अब हमारा भैया इस रात को यही खत्म कर दो जी। तो गाइस हम होप करते हैं कि हम सही सलामत सांबर लेक तक पहुंच जाए, और पहुंचे तो आपको दिखाएंगे वहाँ पे क्या हो रहा है, बस तो कुछ नहीं हो रहा होगा, एकदम रात है, बट फिर भी दिखेगा नहीं, कुछ दिखेगा नहीं, हाँ लाइट्स नहीं है, बट वहाँ पे एक छोटा सा कॉटेज टाइप का है, लेट्स सी क्या होता है, एक और अंडरपास आ रहा है, हम लोग सब लोग अपनी सांसें थाम के यार, ये चीज देखो ये अभी भी इसने भी कर रखा है, वो हाईवे पे वो बंदे ने कर रखा, बड़ा गलत है यार ये, यार ये सही नहीं है, देखो अगर आपको लेफ्ट लेना, ये एक बार यार उस कार के पास लेके जा, फिर अपन थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इनको, है ना, कि क्या मतलब क्या रॉन्ग है उस चीज के साथ, है ना, तो आई थिंक वो एक पिकअप है, आदित्य एक बार गाड़ी के पास लेके जाएगा और फिर आपको बताएगा कि इसके साथ क्या दिक्कत है, व्हाट इज दिस गाड़ी ने, इसने भी कर रखा है, देखो बहुत ही गलत बात है, आदित्य प्लीज टेल द ऑडियंस कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। यार बात ऐसी है कि देखो बहुत ज्यादा पानी, बारिश हुई रिसेंटली यहाँ पे, ओके बट हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम SUV में है, इट्स फाइन, ये आ गए अब हम लोग। देखो ये एक्चुअली देखो ये जो लाइट्स हैं दे आर कॉल्ड पार्किंग लाइट्स फॉर अ रीजन, राइट, कि अगर आपको कोई इमरजेंसी है, आपने साइड में गाड़ी रोकी है,
तो आप इस इन लाइट्स को यूज करें, और मतलब बेसिकली दीज आर पार्किंग लाइट्स राइट, बट अगर आप इन लाइट्स को आप नॉर्मली चलते हुए यूज कर रहे हैं ना, तो ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है राइट. अभी तो कोई फॉग भी नहीं है, ना ठंड है ना बारिश है. आप अगर आप फालतू में रात को ऐसे जबरदस्ती यूज कर रहे हैं ना, तो आई डोंट थिंक दिस मेक्स एनी सेंस. दिस इज एक्चुअली क्रिएटिंग एनी मतलब कंफ्यूजन. की कई बार क्या होता है ना, आदमी को दिखता है कि एक तरफ जा रहा है बंदा, दूसरा ये सोचे कि लेफ्ट जा रहा है बंदा, राइट जा रहा है, तो यार ये प्रॉब्लम होती है. कई बार ऐसा भी लगता है कि ये गाड़ी रुकी हुई है. हाँ, और वो बहुत दिक्कत वाली बात. अगर मैंने इसकी गाड़ी को पहले देखा तो मुझे लगता है ये गाड़ी साइड में रुकी हुई है. सही बात है. और आदमी ओवरटेक करने की कोशिश करेगा, थोड़ी सी स्पीड तेज करेगा, रिलेटिवली खराब हुई एक्सीडेंट ऑब्वियसली. तो ये बहुत डेंजरस है. प्लीज आप अपनी हैजर्ड लाइट्स या फिर पार्किंग लाइट्स तभी ऑन करें जब आपकी गाड़ी स्टेशनरी हो, यानी कि आपकी गाड़ी एक जगह पे खड़ी हुई हो. चलती हुई गाड़ी में अनटिल एंड अनलेस हैवी रेन और फॉग है, आपको अपना पार्किंग लाइट ऑन नहीं करना है. तो अब हम सांबर लेक पहुंचेंगे है ना, और उसके बाद हम वहां पे आपको दिखाएंगे कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा. वैसे नहीं हो रहा होगा राइट, कुछ तो कैसा कुछ, जैसा भी वाइब होगा कुछ तो दिखाई देगा यार. और अगर तारे हमारा फोन कैप्चर कर पाएगा, क्योंकि स्टार गेजिंग सुना है बहुत अच्छी होती है वहां पे, अगर हमारा कैमरा वो एक्सपोजर ले पाएगा तो आपको जरूर दिखाएंगे, वरना कुछ तो दिखाई देंगे. और आई थिंक रात की जर्नी इज अ गुड इनफ थिंग टू शो इन अ वीडियो इटसेल्फ. तो आई होप आप लोग गाइस आपको पसंद आएगा. अगला अपडेट आपको सांबर लेक में मिलेगा.